नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं खुशी अय्यर हाजिर हूँ आप सभी के सामने बुंदेलखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। जालौन से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। जालौन के ग्राम इटौरा में आज जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपने पिता और भाई को कुल्हाड़ी से मारा, जिसकी वजह से भाई की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल पिता को झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर करा दिया गया है और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात में लगभग 12 बजे के आसपास रेंडर थाने के अंतर्गत वहाँ के ग्राम इटौरा में दो परिवार के बीच में, अपने ही परिवार में भाइयों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी के और जमीन के विवाद को लेकर, जिसमें जो बड़े भाई हैं जिनका नाम राम प्रकाश है, उन्होंने कुल्हाड़ी से अपने पिता पे और अपने छोटे भाई रविंद्र कुमार पे हमला किया। इस हमले में रविंद्र कुमार की मौके पे सोते हुए उसी समय मौत हो गई और पिता ने किसी तरह अपने आप को बचाया। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, उन्होंने तुरंत मौके पे जाके बड़े भाई को, जो राम प्रकाश है, उनको गिरफ्तार किया। मुकदमा पंजीकृत किया गया 300 रुपये का और आला कत्ल भी बरामद किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, इसके साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है।